हाय एंड वेलकम टू दी हाई फ्रीस्ट स्टार हो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है यहाँ पे लेट्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू हियर टॉर्सेस व्हाट्स द एनर्जी लाइक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग फ्रॉम द यूनिवर्स नेक्स्ट 15 डेज ऑफ फेबररी एंड ये जनरल रीडिंग है साथ साथ मेरे बारे में सब इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आपको जैसे जो रेजनेट करे आप बस देखते जाइए एंड let's get started here taurus wow we have the tower moment the tower energy right off the bat hmm what else <coughs> okay uh, number one what i feel like is some type of a travel Um, ये कोई फिज़िकल डिस्टेंस जो आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आप कहीं से कहीं जा रहे हो बिकॉज मे बी आपका कोई ऐसा प्लान है कुछ टूर है कुछ फैमिली टू लाइक फैमिली ट्रैवल प्लान है डजेंट मैटर बट आई सी यू मूविंग मूविंग फॉरवर्ड या ट्रैवलिंग अ लॉट अगर ये फिजिकली ट्रैवलिंग नहीं है तो ये आपका माइंड है जो आपको थोड़ा सा भटका सकता है इस मोमेंट पर लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पे आपके अंदर काफ़ी सारे मिक्स्ड फीलिंग्स है जो काम कर रहा है आप एक चीज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो या आपके दिमाग में एक साथ आप हजारों चीज के बारे में सोच रहे हो स्ट्रेस ले रहे हो या बस आप काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सारा दिक्कत दैट इज़ वर् आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्राम लाइक uh, like, आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड हो अब डिस्ट्रैक्शन का कारण यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये कुछ गलत लोगों का संगत हो सकता है कुछ um, आपके कुछ ब्लॉकेज हो सकते हैं दिस कैन बी एनी थिंग बट अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिन्हें क्रिएटिव पर्सन हो जिन्हें कॉन्सनट्रेशन uh, फोकस ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है i think then it's a problem. Thikhi? then you should be careful that i've actually kahape your mind kho rahe ho ya aap itna zyada distracted ho rahe ho. now another thing i feel like this is a time to spend <clears throat> with yourself, आपको अपने आप से या आपके अपने ओरिजिनल सेल्फ या आपके खुद के लाइक्स डिसलाइक्स आपके खुद के हैबिट्स नेचुरल टैलेंट ये सारी चीज़ों से जो सुकून मिलेगा या जो सेटिसफैक्शन मिलेगा लाइफ में ये आपको कहीं और किसी और के साथ इस वक्त नहीं मिलेगा कुछ लोग यहाँ पे लाइफ का एक नया डायरेक्शन ढूंढ रहे हो कि लाइफ का एक नया पर्पस कि मैं अगर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ नया लाइफ में या लाइक like, आप एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हो बिकॉज आपको लगता है कि आपका लाइफ एक जगह पे आके रुक गया है या आपको डर है कि इसके आगे अगर आप कुछ नया नहीं करोगे तो शायद कुछ बुरा होगा आपके साथ बट आई फील लाइक यूनिवर्स इज़ टेल टेलिंग यू टू टेक अ स्टेप बैक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हो वर्स्ट केस सिनेरियो पे, आप बहुत दिमाग लगा रहे हो ऐसे सिचुएशंस या ऐसे एजाम्पन्स के ऊपर जिसका रियलिटी से शायद कोई नाता ही ना हो सो इट्स बेटर टू जस्ट स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड कि आपका एक्चुअल रियल रियलिटी या रियल पोजिशन कहाँ पर है लाइफ में इस वक्त बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फॉर सम ऑफ यू ये सच है कि देर इज़ अ स्ट्रगल जो आप फेस कर सकते हो स्पेशली करियर को लेके या फाइनेंस को लेके या फिर एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम्पिटिशन का सामना करना पड़े आपको लगे दैट लाइक like, बहुत सारे लोगों से आपको जीतना है या आपका जो सफ़र है या जर्नी है वो दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है मे बी सो ऐसे कुछ फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग फ़ीलिंग्स या ऐसे फीलिंग्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइक um, like आपका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो सकता है ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं ऐसे टावर मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं बट आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है यहाँ पे दैट हर बंद बन, बंद दरवाज़े के आसपास एक खुला दरवाज़ा होता है तो अगर कुछ आपको लग रहा है कि एंड हो रहा है इसका मतलब कुछ नया स्टार्ट होने वाला है जो पॉजिटिव है एंड हर एंडिंग नेगेटिव नहीं होता है एंड आपके केस में भी नहीं है हर एक एंडिंग को एकदम नेगेटिव एकदम रिजेक्शन एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे लाइफ में ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू वो एंड हो जाएगा फॉर वॉट बिकॉज ताकि वो स्पेस बन सके जहाँ पे कुछ बेटर कुछ नया आ सके आपके लाइफ में एंड वही हो रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे एक जॉब चेंज दिख रहा है मुझे एक करियर चेंज दिख रहा है मुझे आपके बिजनेस में आप कुछ नया इनोवेटिव कर रहे हो क्रिएटिव ला रहे हो वो दिख रहा है फॉर सम ऑफ व्यू मे बी आप कंप्लीटली कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो मुझे वो दिख रहा है बट समथिंग इज चेंजिंग समथिंग इज एंडिंग ताकि कुछ नया वहाँ से शुरू हो सके एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो बिगेनिंग ये जो स्टार्टिंग है ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑलमोस्ट जो यूनिवर्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स को आपके ऊपर भरोसा है मे बी आपको अपने ऊपर नहीं है सो so, आपके करियर में स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा पर आपको बस एक ही मोटो रखना है जो मैंने अभी अभी कहा दैट एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगेनिंग एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा आपको बस थोड़ा सा सब्र रखना है थोड़ा सा इस एनजाइटी या इस पैनिक से दूर जाके सिचुएशन को समझना है दैट सेट जो लोग जॉब चेंज वगैरह सोच रहे हो ये वो समय है जब एक्चुअली में सारी चीज़ें हो सकता है या लोकेशन में चेंज आ सकता है ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं जॉब चेंज बिजनेस में चेंज करियर में चेंज न्यू एडमिशन न्यू यूनिवर्सिटी न्यू स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी एवरी थिंग इज पॉसिबल राइट नाउ अगर आप चाहो अगर आप कोशिश करो तो ओके okay? <coughs> नाउ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपके लव लाइफ या आपके पर्सनल सिचुएशन में देर इज़ अ लॉर ऑफ आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ देर इज अ लॉर ऑफ इंटेंसिटी लाइक अगर आप किसी से डील कर रहे हो आई सी दैट इस पर्सन के साथ आपका इंटीमेसी बहुत हाई है फिजिकल कनेक्शंस बहुत हाई है या दिस इज अ पर्सन जो काइंड ऑफ आप से उपसेस्ड है लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जब आप लोग काइंड ऑफ प्रैक्टिकली सोच नहीं रहे किसी भी चीज़ को एंड बस आप लोग इमोशंस में एंड बस उस केमिस्ट्री में एकदम से आप लोग ओबसेसिव नेचर नेचर के साथ जा रहे हो फॉर सम ऑफ यू यू गाइज नीड टू सी द प्रैक्टिकल रियालिटी आप लोग बहुत ज़्यादा बहक रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो एक दूसरे से या अपने फिजिकल अट्रैक्शन से या वॉर एवर इट इज ना आई एम नॉट सेंग कि ये गलत है या ये नहीं करना चाहिए पर बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियालिटी से जुड़े हुए हो उसके बाद आप जो करो दैट इज़ ओके बट अगर आप रियालिटी से अपने आप को जोर नहीं पा रहे हो या नापस अपने दुनिया में जी रहे हो दोनों या एटलीस्ट दोनों में से कोई एक भी देन इट्स अ प्रॉब्लम फिर उस रियालिटी से बाहर जब आप मतलब उस दुनिया से जब आप बाहर आएंगे रियालिटी में तब आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है सो so जो कुछ भी कीजिए जस्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज़ योर सिचुएशन व्हाट इज़ योर रियालिटी दैट नीड्स टू बीप केप्टन माइंड for some of you there is a change in a relationship a shift of energies in this relationship जो as a surprise आ सकता है कि आपको अगर लगता था कि ये person बहुत serious है ये person बहुत ज़्यादा Uh, थोड़े से अखरू टाइप के इंसान है इगोइस्टिक इंसान है मे बी अ पर्सन कुछ ऐसा करे ऐसा बोले ऐसा रिएक्ट करे दैट मेक्स यू फील लाइक ओ माई गॉड लाइक इस इंसान के अंदर इतने सारे इमोशंस हैं मुझे तो पता ही नहीं था या वाइस वर्सा ऑपोजिट भी हो सकता है सो so, जब आप अपने रिलेशनशिप साइड से डील करो टॉरस बी वेरी केयरफुल क्योंकि हर एक मोमेंट हर एक पल um, आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ करवा सकता है एक दूसरे के बारे में एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ रियलिटी से जुड़ के रहना है बिकॉज़ दिस इज़ अ टाइम जब को डिपेंडेंसीज इन्फ्लुएंस हो जाना बहक जाना गलत डिसीशनस ले लेना बहुत भारी भरकम तरह से हो सकता है

अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर एंड ऑफ़ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय